स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो हमने लास्ट टाइम फंक्शन और उसकी जो टाइप्स थी, ठीक है, वो सारी डिस्कस की थी, अच्छे से समझी थी। और अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप, कोई भी लेक्चर है तो आप वो पूछ सकते हैं और अच्छे से समझें और दोहराई ज़रूर करें। और इस एक्सरसाइज से पहले भी एक बार आप पिछली जो वीडियो है, अगर वो कोई पॉइंट रह गया है तो उसको देख लें, तभी एक्सरसाइज समझ आने वाली है। और जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर दिया था, तो वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं, तो वो भी ज़रूर एक बार देख लें। बहुत ही आसान रहेगा फिर ये एक्सरसाइज करना। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार and defined by fx equal to 1 by x, यानी कि fx की जो वैल्यू 1 by x है, ये रेसिप्रोकल में है, is 1-1 and on 2, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि आपको आंसर दे दिया कि आपने इसको 1-1 प्रूव करना है और on 2 प्रूव करना है। Where r star is the set of all non-zero number, तो कहने का मतलब जो रियल नंबर है इसमें से आप जीरो को माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन जीरो है। Is the result true if the domain R star is replaced by N? अब जैसे हमारे पास फंक्शन के अंदर टू सेट्स होते हैं, X और Y। तो पहले वाला कहता है कि अगर ये रियल की जगह क्या हो जाए, नेचुरल नंबर, तो क्या तब भी ये ट्रू होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम केस करेंगे किसका, रियल नंबर का, कि अगर आपका जो फंक्शन है उसमें पहला भी रियल हो और दूसरा सेट भी रियल हो, तो क्या इस केस में 1-1 और on 2 होगा? तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो देखें 1-1 के लिए क्या होता है, 1-1 के लिए क्या होता है कि आपके पास टू सेट हैं, एक पहला सेट है x हो गया, दूसरा y हो गया। मैंने जैसे यहाँ पर ले लिया 1-2, इधर ले लिया 3-4, तो 1 की इधर इमेज होनी चाहिए और 2 की भी इधर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। 1 की भी हो गई, 2 की भी हो गई और 1-1, ठीक है, सेम इमेज जो है 1-1 इमेज होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया आपका 1-1। और ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में एक सेट x हो गया, एक y हो गया, इधर मान लो 1-2 है, उधर 3-4-5 है, तो 1 की जैसे 3 हो गई, 2 की जैसे 4 हो गई, तो इधर 5 बच गया, तो ये ऑन टू नहीं है, मतलब 5 की भी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया ऑन टू। तो ऑन टू और 1-1 आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या है, 1/x के इक्वल। तो 1-1 के लिए क्या करेंगे आप, जो एफ एक्स है इसको आप एफ वाई के इक्वल कर लेंगे। तो एफ एक्स क्या है, 1/x, एफ वाई के लिए क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, सिंपल है। तो रेसिप्रोकल या x इक्वल टू y, अगर आपका x इक्वल टू y आ जाता है तो ये कौन सा होगा, 1-1, ठीक है। मतलब वैसे भी अगर आप देखें कि इधर आपका x है और इधर आपका y है, तो इधर सभी के सभी क्या हैं, रियल नंबर, यानी कि 1, 2, -3, 0 कुछ भी हो सकता है। और क्या उधर आपका रियल नंबर है, देखो इधर रियल नंबर है तो उधर भी रियल नंबर है। और जो मैं 1/x ले रहा हूँ, इसमें जो मैं 1/x ले रहा हूँ, अब x की जगह अगर मैं 0 लेता हूँ तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या उधर इन्फिनिटी आएगा रियल नंबर में, ठीक है, मतलब 1/0 इन्फिनिटी। तो देखो 0 जो है, 0 को तो आपने वैसे भी लेना ही नहीं है, ठीक है ना, 0 को तो आपने इसमें लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो केस है इसमें r नॉट इक्वल टू 0, मतलब r आपका 0 नहीं है। तो इस वजह से जो भी आपका इधर रियल नंबर होगा, ठीक है ना, उसकी इमेज उधर रियल नंबर ही मिलेगी। तो ये क्या हो गया आपका 1-1। अब ऑन टू के लिए देखें, ऑन टू के लिए क्या है, इट इज़ क्लियर दैट y बिलोंग टू r स्टार। तो x क्या हो जाएगा आपका, देखिए fx क्या था, 1/x, ठीक है। तो अब इसकी क्या होगी, इमेज बनेगी, हमने y ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 1/y।
तो वन अपॉन में वाई, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को, एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब अगर मैं फंक्शन के अंदर वन बाई एक्स है, एक्स की जगह क्या रखूँगा, वन अपॉन में वाई, किसकी वैल्यू आएगी, किसके इक्वल आएगी, वाई की, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स लिया और वो किसके इक्वल आ गया, वाई के। तो क्या होगा ये, एफ इज ऑन टू। ऑन टू का मतलब मैं इधर एक्स की कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, उधर वाई की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि उधर जो आपका वाई है उसकी कोई ना कोई क्या होगी, प्री इमेज होगी। मतलब वाई में कुछ भी खाली नहीं बचेगा, वाई में जितने भी नंबर्स होंगे सभी की क्या होगी, प्री इमेज होगी, ठीक है ना। ऑन टू में तो यही होता है कि वाई में कुछ भी खाली ना बचे। तो मैंने एफ एक्स जो लिया वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स को लिया मैंने वाई, तो हमारा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को। तो एक्स की वैल्यू मैंने रखी एफ एक्स के अंदर और वो किसके इक्वल हो गया, वाई के। यानी कि एक्स की जो इमेज है वो वाई में मिलेगी और वाई की जो प्री इमेज है वो आपको एक्स में मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ भी वाई के अंदर खाली नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया, ऑन टू, ठीक है ना। देखो बेटा, इसको आप डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हैं, ये तो जस्ट आप एक रिटर्न का वे है कि आपने लिख के दिखाना है। आप खुद देखें कि हमारा यहाँ पर क्या है, रियल नंबर, और यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। तो हर एक रियल नंबर की कोई ना कोई आपको यहाँ पर प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि रियल नंबर में सब नंबर आते हैं, पॉइंट वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं, वन ओपन में टू रेशनल वाले भी आते हैं। तो आपको एक्स की वाई में इमेज मिलेगी और वाई की जितनी भी टर्म्स हैं सभी की प्री इमेज आपको एक्स में मिलेंगी। यानी कि वाई में कुछ भी खाली नहीं बचेगा, तो वो क्या हो गया आपका, ऑन टू। अब यही केस हम नेचुरल नंबर के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर एफ इज वन वन एंड ऑन टू हो गया। अब देखें अगला केस आ रहा है नेचुरल नंबर और रियल नंबर का। यानी कि यहाँ पर जो आपका सेट है ये क्या है, नेचुरल नंबर, और ये क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं नेचुरल नंबर की यहाँ पर लेता हूँ, क्या नेचुरल नंबर की मुझे इमेज मिल जाएगी आर में, ठीक है ना। वन वन देखें आप, वन बाई एक्स, तो एक्स वन और एक्स टू लेंगे, ठीक है। ये मेथड है करने का, ये मेथड है, इस मेथड को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ ये आपका सिर्फ समझने के लिए है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे मैंने जी एक्स लिया वन बाई एक्स, तो मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, दो एक्स वन और एक्स टू। तो जी एक्स वन क्या हो गया, वन बाई एक्स वन, जी एक्स टू क्या हो गया, वन बाई एक्स टू। तो दोनों सेम हो गए, यानी कि एक्स वन की और एक्स टू जो है, एक्स वन इधर मैंने लिया तो उधर क्या नज़र आ गया आपको, एक्स टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन वन, इसकी जो आपको इमेज मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि ये तो है रियल नंबर, ये है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर। रियल नंबर कैसे होते हैं, वन 1.5, 2 अपॉन में 3, 0, इस तरह से। क्या 1.5 इधर रियल नंबर है, उसकी जो नेचुरल नंबर इधर है, क्या इमेज आपको प्री इमेज मिलेगी, ठीक है ना। ये सोचें कि 1.5 इधर है और उधर 2 है, इधर आपका रेशनल नंबर है और उधर आपका नेचुरल नंबर है। देखो 1 की तो आपको उधर मिल जाएगी, ठीक है ना, 1 का उधर क्या हो जाएगा, 1। 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, अगर मैं सिंपल रहूँ। 3 का क्या हो जाएगा, 1/3। उधर आपको रियल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इधर तो भाई रियल नंबर नहीं है। क्यों, अगर मैं उधर लेता हूँ 2, अगर मैंने इधर 2 ले लिया तो इधर क्या हो गया, 1/2, 1/2 क्या हो गया, 0.5। क्या आपको इधर x में नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब जो आपका y है इसकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर तो नेचुरल नंबर है, रेशनल नहीं हो सकते, रियल नहीं हो सकते। अब इसको देखें लिखने का वे क्या बनेगा इसका। अब मैंने क्या किया कि g इज नॉट ऑन टू, मैंने क्या किया 1.2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया इधर, जैसे 1.2 ले लिया तो जो gx है तो 1 अपॉन में 1.2,
ठीक है, उधर मैंने जो 1.2 लिया, क्या वो आपको एक्स सेट के अंदर नजर आएगा? देखो 1.2 क्या है, रियल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्स, इन एन नेचुरल नंबर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं, कोई भी आप एक वैल्यू भी ले सकते हैं, 1 1 तो होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, 1 1 होगा कि हर एक की आपको उधर जो है इमेज मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना, एक्स की उधर आपको वाई में इमेज मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर मैं इधर कोई भी रियल नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये 1.2 ले लिया, तो इसकी आपको इधर प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन को आप फील करके देखें, ठीक है ना, आपने वर्डिंग में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप फील करेंगे डायग्राम बना बना के, तो आपको ईजी होगा और आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1.2 ले लिया, आप 1.3 ले लें, 0.5 ले लें, 1/2 ले लें, ठीक है ना, रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको एक्स में नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन में क्या कह रहा था, नेचुरल नंबर टू रियल, इधर तो रियल चल जाएगा लेकिन इधर नेचुरल नंबर सारे के सारे, अगर मैं इधर आर लेता हूँ तो उसकी जो प्री इमेज है वो आपको नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कहता है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी क्या होता है हमारा, 1 1। इंजेक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे कि 1 1 चेक करेंगे, और सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे सर्जेक्टिव के लिए बताएं, शाबाश, ऑन टू, अभी हमने ऊपर किया ना, इंजेक्टिव के लिए 1 1 और सब्जेक्टिव के लिए आप ऑन टू चेक करेंगे। तो देखें पहला पार्ट है, अब फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, तो कहने का मतलब मैं अगर सेट लेता हूँ इधर 1 2, ठीक है, और इधर भी आपका 1 2 3 कुछ भी है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मेथड क्या होता है, आपने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेना है। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, वाई एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, y के, तो f इज इंजेक्टिव, ठीक है ना, f जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, समझ में आ रहा है सभी को। देखें x है और उधर y है, मतलब x अगर आप 1 लेंगे तो उधर y भी क्या हो जाएगा, 1, इधर 2 लेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, 2, तो मतलब 1 1 इमेज बन रही है, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इधर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, तो मैं स्क्वेयर को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वाई, सभी एग्री करते हैं इस चीज़ को, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वाई आएगी। लेकिन भाई एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, आपका फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू जो है वो क्या ली है, वाई के इक्वल, ना कि प्लस माइनस वाई, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंजेक्टिव है, यानी कि 1 1 है। अब बात करते हैं सर्जेक्टिव की, सर्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या है कि जैसे कि जो हमारा पहला है एक्स, मतलब एक तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो एक्स स्क्वेयर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसको मैंने 2 ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 ले लिया, तो जो 2 है ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आपको देखें, मैं एक्स की वैल्यू क्या लूँ,
मैक्स की वैल्यू क्या लूँ कि 2 आ जाए? आप कहेंगे कि सर स्केयर रूट 2 ले लो, ठीक है ना, स्केयर रूट 2 ले लो, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2 पे। तो भाई जो एक्स की वैल्यू आप स्केयर रूट 2 ले रहे हैं वो क्या है, क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये एक्स के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, स्केयर रूट वाली टर्म जो एक्स के अंदर नज़र नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक्स स्केयर जो है, और इसका एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक्स स्केयर इक्वल टू 4, तो यहाँ पर एक्स जो है ये आपका नेगेटिव भी तो हो सकता है, और नेगेटिव क्या होता है, इंटीजर, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब जो आपका वाई है, ठीक है ना, जो आपका वाई है उन सब की जो आपको इधर प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर एक्स के इक्वल टू 2 ले रहे हैं हम, एक्स और क्योंकि 2 तो क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन उधर आपको वाई के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी, ना स्केयर रूट वाली टर्म मिलेगी, ना ही आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी। अगर मान लो वहाँ पर हम वो 2 लेते हैं तो आपको लेफ्ट में काट लेते हैं, इसमें आपका जेड टू जेड, मतलब दोनों तरफ इंटीजर ही इंटीजर। तो अब यहाँ पर एक्स और ये मैंने ले लिया वाई, तो यहाँ पर भी -1 0 1 -1 0 1 इस तरह से टर्म चलेंगे। तो एक्स स्केयर है तो f-1 और f-1, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? देखो मैं एक्स की जगह -1 रखता हूँ तो -1 का स्केयर 1, 1 रखता हूँ तो 1 का स्केयर 1, लेकिन -1 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। जो आपका x1 और x2 है उसको भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी 1-1 होगा ना, ठीक है ना, मतलब तभी 1-1 होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि अगर मैं देखूँ कि -1 की भी इमेज 1 है और 1 रखने पर भी इमेज 1 आ रही है, देखो ना, -1 रखने पर इमेज क्या आ रही है, 1, और 1 रखने पर भी इमेज क्या आ रही है, 1, मतलब ये तो 1-1 नहीं है, क्योंकि 1-1 में तो क्या होती है, क्या होती है, डिफरेंट इमेज, लेकिन -1 रखने पर भी 1 आ गया और 1 रखने पर 1 आ गया, ये तो सेम इमेज आ गई, तो ये इंजेक्टिव नहीं है। अब यहाँ माइनस जो 2 है वो जेड को बिलोंग कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जेड सच जेड, अगर हम एक्स स्केयर इक्वल टू -2। अब भाई एक्स स्केयर इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि -2 आ जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब कोई इंटीजर वैल्यू तो आ नहीं सकती यहाँ पर जिसका स्केयर एक्स स्केयर हो और सोल्व करके -2 आ जाए। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है ना। इधर तो देखो एक्स स्केयर है इक्वल टू -2, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर आएगा एक्स स्केयर इक्वल टू -2, ये क्या होगा, ये एक रियल नंबर बनेगा। अब इसके अंदर रियल नंबर तो होगा ही नहीं, आ रही है बात समझ में? अब यहाँ एक्स की वैल्यू कोई भी आप इंटीजर रख दो वो -2 तो आएगा ही नहीं आएगा। तो एफ इज़ नॉट सब्जेक्टिव, ये ऑन टू नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या है कि रियल नंबर टू रियल नंबर, अब आपका फंक्शन रियल टू रियल नंबर जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 रखें, 1 रखें, तो क्या आ गया, 1, मतलब -1 की इमेज 1 और 1 की इमेज भी 1, तो ये नॉट 1-1, ठीक है, बिल्कुल पिछले केस की तरह। अब यहाँ पर -2 बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू R, x स्केयर इक्वल टू -2, तो x स्केयर इज इक्वल टू -2, एक्स की एक तरह से वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, -2, ये क्या होता है आपका इमेजरी नंबर, तो हम लेके कौन सा चल रहे हैं, रियल नंबर, तो हमारा जो है सेट एक्स भी रियल नंबर होगा और वाई भी रियल नंबर होगा, इमेजरी नंबर नहीं होगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं एक्स की जो मैं रखूँगा और वो -2 के इक्वल आ जाएगा, तो ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही ये सब्जेक्टिव है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया।
फोर्थ पार्ट में आपको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, लेकिन अब की बार आपको एफ एक्स एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब दिया हुआ है तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो गया इंजेक्टिव, मतलब एक्स की वैल्यू आप वन रखो तो वाई वन आ गया, टू रखो तो टू आ गया। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर हैं एक्स और वाई, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं लूँगा। फिर आता है अगर मैं टू लेता हूँ, टू नेचुरल नंबर है, देखो पहले में मैंने क्या ले लिया, टू ले लिया, टू नेचुरल नंबर है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू टू, क्या मैं एक्स की वैल्यू कोई रख सकता हूँ कि टू आ जाए? ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब वाई के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास ऐसी बच जाएगी जो एक्स के अंदर नहीं मिलेगी, जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है ना, एक्स क्यूब इक्वल टू टू, आप जस्ट देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, नेचुरल नंबर ले सकता हूँ, क्या मैं रखने पर टू आ जाएगा, या एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ क्यूब रूट टू, क्या ये नेचुरल नंबर है? नो, तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। कि इंटीजर टू इंटीजर, तो अब आपके पास जो वैल्यूज हैं इधर भी माइनस वन जीरो वन, उधर भी माइनस वन जीरो वन, तो एक्स वाई बिलोंग टू जेड, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल, तो एफ इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था ये, मतलब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो y 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया। अब सेम पिछला केस, 2 बिलोंग टू z, x क्यूब इक्वल टू 2, क्या x की वैल्यू ऐसी है जिसका क्यूब लेने पर मैं 2 आ जाऊँगा, और x क्या लेना है आपने, इंटीजर, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर f जो है आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन 1 कम्प्लीट हो गया, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, शो दैट मॉडुलस फंक्शन आर टू आर। अब की बार यहाँ पर आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, और मॉडुलस में x क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 0, तब तो ये पॉजिटिव होगा, और x जो है लेस देन 0 है तो x नेगेटिव होगा। ठीक है ना, मोड के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ माइनस 1 रखता हूँ तब वैल्यू क्या आ रही है, 1, और 1 रखने पर भी वैल्यू क्या आ रही है, 1। देखिए माइनस 1 रखने पर भी 1 आ रही है और 1 रखने पर भी 1 आ रही है, मतलब मैं दो वैल्यूज़ रख रहा हूँ x की, को हमें पता है कि मोड में से जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, चाहे माइनस 1 रखो चाहे 1 रखो, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि माइनस 1 और 1 दोनों की जो इमेज है वो सेम आ रही है। अब ऑन टू के लिए क्या करना है कि माइनस 1 कंसिडर करना है, माइनस 1 बिलोंग टू r रियल नंबर। ठीक है, लेकिन जब हम x में से कोई भी वैल्यू ले रहे हैं वो नॉन नेगेटिव ले रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर माइनस 1 भी होगा, माइनस 2 भी होगा और माइनस 3 भी होगा, ये सभी क्या हैं, ये रियल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन जब आप मोड की बात करते हैं, ठीक है, जब आप मोड की बात करते हैं तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी आपकी, पॉजिटिव आएंगी, तो आपके पास y के अंदर ये नेगेटिव टर्म्स जो है वो बच जाएंगी, तो इसलिए ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, शो दैट द सिग्नम फंक्शन आर टू आर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहीं पर ये काम ख़त्म हो जाता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1, यानी कि 1 की भी इमेज 1, 2 की भी और 3 की, तो ये क्या 1 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 1 में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑन टू की। अब देखें ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ -1 -2 0 -1 +1 +2, और इधर भी मैं ले लेता हूँ -1 -2 0 1 2, इस तरह से मैंने नंबर ले लिए। अब इसमें जो कहा है इसने कि आपके पास x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, तो उसमें 3 केस दिए हुए हैं, तो वैल्यू क्या क्या आएगी आपकी, एक तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी
जीरो आ जाएगी और एक वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या बच गए, माइनस टू टू और बहुत सारे ऐसे रियल नंबर हैं जो बच जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसने तीन वैल्यू कही है, वन जीरो माइनस वन, तो वन आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो बाकी वैल्यूज जो हैं वो वाई के अंदर क्या होंगी, बच जाएंगी। और ऑन टू के अंदर आपको वाई के अंदर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं है क्योंकि एक्स की जितनी भी टर्म्स हैं सभी की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है, सभी की इमेज होनी चाहिए, तो इमेज नहीं बचेंगी क्योंकि तीन ही इमेज है हमारे पास, वन जीरो और माइनस वन, तो ये ऑन टू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स, और ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर वन वन, यानी कि ना तो ये वन वन होगा और ना ही ये ऑन टू होगा। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो अगर आपकी वैल्यू कोई भी जैसे कि 2.1 है तो आप क्या लोगे, 2.1 से लेस देन 2, ठीक है, और अगर आपके पास 1.9 है तब क्या लोगे आप, 1, मतलब 2.1 और 1.9 से पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सभी को पता है क्या होते हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू और इधर 0, 1, 2, तो वैल्यू जो है आपने इंटीजर की लेनी है। तो इस क्वेश्चन में रियल टू रियल जाना है लेकिन वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, इंटीजर की। तो एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स, इट इज़ सीन दैट, अगर मैं यहाँ पर 1.2 रखता हूँ तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लेना है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1.2 है तो 1.2 से पहले 1, इसी तरह से मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ 1.9, तो 1.9 से पहले भी क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी, तो 1.2 की वैल्यू भी 1 आ रही है और 1.9 की वैल्यू भी 1 आ रही है, और जबकि 1.2 और 1.9 ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, तो ये 1-1 नहीं है। 1-1 के लिए क्या होता है कि डिफरेंट इमेज होती है, डिफरेंट नंबर्स की डिफरेंट इमेज, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट नंबर की जो इमेज है 1.2 और 1.9 दोनों की जो इमेज है वो 1 आ रही है, तो ये 1-1 नहीं है। अब हम ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू तो हमने एक कंसीडर की वैल्यू 0.7 बिलोंग टू रियल नंबर, इट इज़ नोन दैट एफ एक्स इज एफ इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एफ एक्स इक्वल टू 0.7। तो कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 0.7 ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी 0.7 ले रहा हूँ, तो 0.7 के लिए जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, तो 0.7 के लिए क्या लोगे आप, 0 लोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो x की वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर रहने वाली है, और मैं 0.7 ले रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यू 0.7 की क्या होगी, 0, तो 0.7 इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका y है ये यहाँ पर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तो 0.7, 0.8, तो यहाँ पर ये कुछ भी जितनी भी वैल्यू हैं 0.7, 0.8 ये सारी वैल्यू यहाँ बच जाएंगी, जबकि ऑन टू में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तो ये ना तो 1-1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जय माता दी।